फ्रेंड्स, मैं हूं आशा। आशा के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़, वो भी दो फ्लेवर में। तो ये मैंने 1 किलो आलू लिए थे, इनको उबाल के हमने छील के कद्दूकस से कस लिया है। अब इनको हम आधा आधा करते हैं क्योंकि नीचे हरी धनिया पड़ी है। इतना हम अलग कर लेते हैं और इतने ये हरी धनिया पड़ी है इसमें, तो इसको हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं कुछ और चीज़ें। ये जीरा डाल लेते हैं 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं और ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेते हैं। इन्हें अच्छे से मैश कर देते हैं। हमने हरे धनिया के फ्लेवर का मैश किया है। आलू मिला लिया हमने, इनको रखते हैं एक तरफ और ये उठाते हैं, ये डाल देते हैं इसमें। अब इसमें डालते हैं हम ये करी पत्ता, ये हमने काट लिए हैं, और डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा जीरा। यहाँ हरी धनिया की जगह ये हम करी पत्ता डाल रहे हैं, थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं, इसे भी मैश कर लेते हैं। नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, इसे भी मैश कर लेते हैं। ये जो हमने करी लिप्स डाली हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इनमें। आप बना के देखिए फिर बताना। ये भी हमने मिला लिया है। अब इसको भी हम इसी थाली में रख देते हैं और हम आते हैं अपने हाथ साफ करके। अब हम बना लेते हैं इनकी लोई। हाथ में तेल लगाते हैं। सबसे पहले हम करी लिप्स वाला भरता का लोई बना रहे हैं। लोइयां आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसी भी पसंद हो वैसी बना सकते हैं। इसी तरह से सारी लोइयां हम बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने चारपाई में पन्नी लगा लिया है। अब पापड़ हम इसी में डालेंगे और इधर हमने पापड़ बनाने के लिए ये एक पन्नी ली है। ये बड़ी पन्नी है, एक तरफ डालेंगे, दूसरी तरफ से पलटा के हम इसको दाबेंगे। हम एक चकला ले लिए हैं, ये आप चाहे तो लकड़ी का, पत्थर का, जो भी आपके पास हो उससे काम चल जाएगा। ये छोटी हमने थाली ले ली है, इसमें रखेंगे और इससे हम दाबेंगे। तो हम इसमें रखते हैं, थोड़ा सा तेल लगाते हैं। ये रखते हैं, इसको पलटा देते हैं इसमें। अब इससे हम दाब देते हैं, हथेली की सहायता से दाब देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा उंगलियों की सहायता से हम इसकी शेप दे देते हैं, गोल कर लेते हैं बढ़िया से। पापड़ हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसको डाल देते हैं पन्नी में। पन्नी में पापड़ डालने से बड़े आराम से निकल जाते हैं, कहीं चिपकते नहीं, पापड़ बिगड़ते नहीं हमारे। हम चार पापड़ बना के करी लिप्स वाले दिखा देंगे आपको, चार पापड़ हम धनिया वाले दिखा देंगे, इसके बाद सारे पापड़ हम बनाएंगे। दूसरी लोई ले लेते हैं, ये भी इसको रखते हैं इसमें। ये चार पापड़ हमने करी लिप्स के बना लिए हैं और ये चार पापड़ हमने धनिया के बना के दिखा दिए हैं। इसी तरह हम सारे पापड़ बना लेते हैं और बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं ताकि मिले ना हमारे पापड़। हमने सारे पापड़ बना लिए हैं, हम इनको पंखे की हवा में सुखाएंगे। ये रात में हमने पापड़ बनाए हैं, ये करी लिप्स के हैं और ये धनिया पत्ता के हैं। अब हम इनको सुखा के इसके बाद मिलते हैं वीडियो में। ये हमारे सारे पापड़ सूख गए हैं, अब हम इन्हें तल के दिखाते हैं। 2 दिन हमने सुखा लिया इनको अच्छी धूप में। हमने कढ़ाई चढ़ा दी, हमारा तेल गर्म हो रहा है, अभी हल्का गर्म हुआ है और गर्म हो गया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम आंच को स्लो कर देते हैं। ये डाल रहे हैं करी लिप्स वाले।
पापड़ को बहुत देर तक नहीं डालना है वरना लाल हो जाएंगे और ये जल जाएंगे पापड़। दूसरा डाल देते हैं। इनके लिए तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का गर्म होना चाहिए तेल। अब हम ये धनिया वाले डाल देते हैं, जिसमें धनिया डाली थी वो वाले डाल देते हैं। गैस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तेल हमारा ठंडा हो गया है। मेरे आलू हमें लग रहा है कोई दूसरा आलू है, इसीलिए पापड़ बिल्कुल लाल हुआ जा रहा है, जबकि तेल बिल्कुल गर्म नहीं है, बहुत कम गर्म है। आलू पे डिपेंड करता है कैसी आलू है, कौन सी वाली आलू है, इसलिए पापड़ हमारे बिल्कुल लाल हो गए हैं। हमने दोनों पापड़ तल लिए हैं, ये करी लिप्स का है, ये धनिया का है, और ये बहुत अच्छे बने हैं पापड़ हमारे, और बिल्कुल ये देखिए एकदम टूट रहे हैं अच्छे से। इनमें कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में, आराम से आलू उबालिए, भरता बनाइए, पापड़ बनाइए, खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। अब आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं।